हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नेचुरल ब्यूटी। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइस, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बालों से शाइन चली गई है, बाल दो मुए हो गए हैं, या बालों में फ्रिजीनेस बाल हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हो गए, उलझे से रहते हैं, और क्यों ना रहें गाइस, क्योंकि धूप मिट्टी इतना ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा रहता है, धूप की वजह से आजकल बाल खराब हो ही रहे हैं और अच्छे से केयर आप लोग नहीं करते, इस वजह से बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं। गाइस, सच में अगर आप अपने बालों की, अपने फेस की केयर करते हैं ना, तो वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर देते हैं, फिर चाहे वो मार्केट की चीज़ें हो या घर की। तो मार्केट से महंगी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत गाइस आपको नहीं है, उसमें केमिकल होता ही है, केमिकल से आप नहीं बच सकते। तो आप लोग इन जो घर की चीज़ें हैं ना, हम लोग इनको अवॉइड करते हैं कि इसमें इतना तामझाम होगा, कौन करेगा, मार्केट से ले आते हैं और आराम से लगा लेंगे। गाइस देखिए, थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अपने बालों को अच्छा करना है तो। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर बनाना, तो पका हुआ केला भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी केले आपके घर पे आते हैं, तो हमेशा एक दो केले पक जाते हैं और उनको हम लोग फेंक देते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है आपको आज के बाद से। आपको उसको अच्छे से फाइन पेस्ट रेडी करना है। केले में होता है प्रोटीन, पोटेशियम, जो कि हमारे बालों में शाइन लेकर आता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। क्योंकि गाइस, जब बाल अच्छे से सॉफ्ट सिल्की होंगे तो उनकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। अगर बीच में, आप खुद सोचिए कि बाल बीच में डिटेंगल हो गए हैं या फिर फ्रिजी हो गए हैं बाल, जब बालों में कुछ प्रॉब्लम बीच में हो रही है, तो वो बालों को कैसे बढ़ा पाएंगे? तो जब बाल अच्छे से स्मूथ शाइन सिल्की होंगे तो बाल ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, जब अंदर से मजबूत होंगे बाल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक से डेढ़ केला ले लेना है, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर केला ले लेना है आपको, और केले का एक फाइन पेस्ट मिक्सी में डाल के फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है आपको, जो कि आपके बालों में अच्छे से लग सके। जो एक हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी होती है, उस कंसिस्टेंसी में आपको इसको रेडी करना है गाइस। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ, जिससे इसकी जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा अच्छे से हमारे बालों पर ये वर्क करेगा। तो जो आप लोग मार्केट से महंगे महंगे लेकर आते हैं फेस मास्क, उनको भी ये टक्कर देगा, उनको भी पीछे कर देगा गाइस, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो। और आपका ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम तो गाइस आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है दही कर्ड, जो कि आप घर पर ही जमा सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं कर्ड इसमें मिला रही हूँ। ये भी गाइस आपके बालों में शाइन लेकर आता है, आपके स्कैल्प को क्लीन करता है अच्छे से, और जो भी आपके बालों में डैंड्रफ होता है उसको रिमूव करता है। तो जो दही है, ये जो कर्ड है, ये हमारे बालों के लिए एक अच्छा कंडीशनर भी होता है। तो ये जो आप मास्क लगाएंगे, ये दोनों चीज़ें, दोनों तरीके से काम करेगा, एज ए कंडीशनर भी काम करेगा और एज ए हेयर मास्क भी काम करेगा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है ना गाइस, कितने सस्ते में आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं घर बैठे ही। तो बस थोड़ी सी बस मेहनत अपनी लगानी पड़ेगी आपको, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कटोरी थोड़ी सी छोटी, तो मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप बड़े से बर्तन में इसको बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर जो दही लिया, इसको आप चाहें गाइस तो दही को उसी ब्लेंडर में डाल के दोनों को अच्छे से फेंट सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से फिटा रहेगा, इसके अंदर कोई भी लंग्स या गांठ नहीं रह जाएगी, तो गाइस लगाने में भी एक जो एकदम मास्क वाली कंसिस्टेंसी जब रहती है ना, लगाने में भी अच्छा फील होता है और बालों में हमारे पार्टिकल चिपके भी नहीं रहते हैं। जब हम बालों को वॉश करते हैं तो अच्छे से बाल हमारे वॉश भी हो जाते हैं और फंसे भी नहीं रहते हैं जो भी इसके पार्टिकल्स होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कंसिस्टेंसी एकदम गजब की आई है और ये कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है बालों के लिए। और उसके बाद गाइस, थर्ड चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलानी है वो है हनी। हनी आप लोग सोचते होंगे कि हनी बालों को सफ़ेद करता है, जी नहीं गाइस, हनी बालों को सफ़ेद नहीं करता। सोचिए आप लोग, हनी बालों को सफ़ेद कैसे कर देगा? और कोई भी चीज़ गाइस क्या होता ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो फेस पर या बालों पर अकेले नहीं लगाई जाती, जब आप उनको किसी चीज़ में डाइल्यूट करते हैं ना, तो वो चीज़ें और अच्छे से वर्क करती हैं और जो अपना असर देने वाली होती है वो उनमें मिलके एक बेहतर आपको रिजल्ट दे सकती हैं। तो ये चीज़ मत सोचिए, जो ये जो हनी है ये आपके बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है गाइस, अच्छे से आपके बालों में शाइन को बरकरार रखता है, आपके बाल इतने ज़्यादा स्मूथ और सिल्की शाइन हो जाते हैं ना, आप देखते ही रह जाएंगे। तो बस तीनों ही चीज़ों को गाइस आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स, क्योंकि मिक्स करने के बाद जो रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा इसका, एकदम जो मास्क वाली कंसिस्टेंसी आएगी ना, गजब की होगी। तो
तो बस यहाँ पर मेरा मास्क अच्छे से मिल चुका है और आप लोग देख सकते हैं हाथ में मैं जब तक टच नहीं करती हूँ मास्क को, मैं हाथ में ही लेके हमेशा अप्लाई करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरीके से ले लिया है मास्क, अब मैं अपने बालों में इसको अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद गाइस आपको इसको 45 मिनट तक, 1 घंटे तक अपने हाथ बालों में रखना है और उसके बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं नॉर्मल पानी से। और उसके बाद आप लोग जो रिज़ल्ट आप वो गाइस, उसके बाद आपको कंडीशनर जो भी आप मार्केट वाला लगाते हैं ना वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आपके बाल इतने सिल्की इतने शाइनी हो जाएंगे ना कि आप लोग भी कहेंगे कि वाओ क्या बाल है मेरे। बहुत दिनों से गाइस मैं भी अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि इधर फेस्टिवल्स आए हुए थे तो इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो बस ये मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है बालों में अच्छे से, और बालों में अप्लाई करने के बाद अच्छे से पॉलीथीन से कवर कर लीजिए बालों को, और कवर करने के बाद इनको 1 घंटे तक मैं अपने बालों में रखूँगी, उसके बाद वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद गाइस फाइनली रिज़ल्ट का वेट कीजिएगा आप लोग, आप लोग खुद कीजिएगा ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि सच में ये मास्क नहीं गज़ब का मास्क है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोग को मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए आप लोग भी चाहते हैं अगर ऐसे बाल करना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।